नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। अभी फिलहाल हम हैं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे और उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। और भाई साहब, इतना भीड़ है पूछो मत। लोगों का एग्ज़ाम के लिए कल एग्ज़ाम है, फिर 17 को भी एग्ज़ाम है, 18 को भी एग्ज़ाम है, और यहाँ पर इतना भीड़ है ना। देखिए, अभी इधर नहीं है, हमारे पीछे साइड भीड़ था। एक कैंट रेलवे स्टेशन है और एक ट्रेन पकड़ने के लिए पवन एक्सप्रेस। इतने सारे भीड़ है ना भाई। मेरा ट्रेन था बलिया वाली, वो कैंसिल हो गई, उसके बाद तो पूछो मत, पूरा भीड़ भाई साहब आ गया है इधर पूरा। अभी फिलहाल तो कम है क्योंकि ज़्यादातर आगे के बोगी में खड़े हुए व्यक्ति हैं। और देखते हैं सीट मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे सीट की ज़रूरत नहीं है, और देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए भाई साहब। यात्रा बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है हमारी और बहुत बेहतरीन होगी। जो भी होगा अपडेट देते रहिए और आपको दिखाते रहिए। पूरा भीड़ है भाई साहब। सीट फुल। ये है भैया पवन एक्सप्रेस। स्लीपर जनरल सब एक हो गया है। देखो भैया, स्लीपर बोगी का ये हाल है। और इधर मिल गया है चाय, तो एक चाय का चुस्की ले रहे हैं। ये है स्लीपर बोगी पवन एक्सप्रेस में। फिलहाल हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इतना ज़्यादा भीड़ है भाई साहब पूछो मत। आप सामने देख सकते हैं, इधर भी और इधर भी। अभी हम पहुंचने वाले हैं ओडिहार, ओडिहार के बाद पहुंचेंगे हम गाजीपुर। भीड़ भाई चरम सीमा पर है। ये स्लीपर बोगी है और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भीड़ है। अभी पहुंचे हम सारनाथ रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम ओडिहार। देख रहे हैं भाई साहब कैसे बैठे हुए हैं। और भीड़ बताया ना कि पवन एक्सप्रेस में हमेशा का है, एक दिन का नहीं है, हमेशा का है। क्यों गुरु, भीड़ हमेशा रहता है ना? अरे बोलो कोच। क्यों भाई, भीड़ हमेशा रहता है? कहाँ से आ रहे हो? मुंबई। मुंबई से सेम भीड़ है? ज़्यादा। अच्छा, इससे ज़्यादा है। लो भैया, पवन एक्सप्रेस में भीड़ तो यूँ ही रहता है, बरकरार रहता है, कभी भीड़ कम नहीं होता है। भाई चाची अलग है, परेशान है। इनका बैग चोरी होते हैं, ऐसे लगाते हैं कि इनको चोरी करके लेके भाग जाते हैं। कहाँ उतरना है गुरु? बलिया जिला गरबा कौन बात का डरबा गुरु। लारिया लूटत रहा पवन एक्सप्रेस में अभी फिलहाल है। और ये दादी जो है ना, इनका ग्रुप है, कई ग्रुप है अपना। आए थे बनारस दर्शन करने, ये लोग दर्शन वर्शन कर लिए हैं। इसके बाद अपना शायद छपरा ही का एक सिवान उवान किए, वो लोग जाएंगे। देखिए इधर बैठे हुए हैं, वो लोग जाएंगे। और अभी तो पवन एक्सप्रेस में भाई साहब हालत ख़राब हो चुकी है। लगभग हमें यात्रा करते हुए लगभग हो गए 17 घंटा भाई, जनरल बोगी और स्लीपर बोगी में यात्रा करते करते। अभी फिलहाल है पवन एक्सप्रेस में और पवन एक्सप्रेस बहुत धुआंधार चल रही है, पीछे देख सकते हैं। और अब हम पहुँचने वाले हैं ओडिहार रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद पहुँचेंगे हम गाजीपुर। लगभग हमें लग रहा है कि 4 बज चुके हैं, 4 बजने के बाद 1 घंटे बाद हम पहुँचेंगे गाजीपुर। चलिए इसी अभी देखते रहे वीडियो और आगे पूरा अपडेट देते रहेंगे। यह बैग भी आ गया है हमारे गोदी में और अभी देखते हैं। ये पवन जो एक्सप्रेस है ना भाई, बहुत खतरनाक ट्रेन है यार। मुंबई से चलती है और ये कहाँ तक जाए? लोकमान्य तिलक से चल के कहाँ तक जाती है गुरु? लास्ट मालूम है, देखना पड़ेगा यार। अच्छा, तुमको भी नहीं पता? शायद छपरा उपरा जाती है ना? जयनगर, मधुबनी जयनगर भैया, जयनगर जाती है। यही ट्रेन में कभी सफर करे ना, परिवार के साथ कभी ना करे भाई, भूल के भी ना करे, ठीक है? और सफर का मजा लेते रहिए, हम तो मजा हमेशा लेते हैं। हमारा ट्रेवलिंग चलता रहता है और आपको हम दिखाते रहते हैं भैया पवन एक्सप्रेस में। पवन, पवन नाम है। चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ओडिहार रेलवे स्टेशन पे और इधर भी लोग उतर रहे हैं और माहौल तो थोड़ा ठंडा हो चुका है, भीड़ कम हो चुकी है अब। तो
फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर रेलवे स्टेशन और बस हाजीपुर नहीं महाराज गाजीपुर कम सुनने का आप फिलहाल गाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं और इधर देख सकते हैं लोगों का पीछे भी देख सकते हैं तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम गाजीपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। फाइनली हम आ गए गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे और ये रहा भैया पवन एक्सप्रेस जो कि हमारी यात्रा हुई है इसी से। अब चलते हैं आगे, अब रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो चलिए यही रहा भैया सफर और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आए हैं और भीड़ इतना है कि बता नहीं सकते हैं। देख सकते हैं आप लोगों का क्राउड, लोग कितने उतर रहे हैं। चलिए अब हम सोच रहे हैं कि यहीं वीडियो समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद जय हिंद जय भारत।